बुद्धिज्म, देखो संगम के बाद जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। पाली प्राकृत संस्कृत में लिखते थे, मेनली सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। जटाका टेल्स पाली भाषा में लिखी गई हैं, ये प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बताती हैं। त्रि पिटाकास हैं, इससे पहली है तुम्हारी सत्ता पिटाका, ये बुद्धा की टीचिंग्स और सेंग्स के बारे में है, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में है, कास्ट सिस्टम को वो करती है, डिफाई करती है, कर्म के बारे में। नेक्स्ट है अभिधर्म, ये तुम्हारी सत्ता पिटाका का फिलोसॉफिकल मतलब बताती है, ठीक है। विनय पिटाका है, ये जो है ये बताती है कि कौन कौन से सिंस हैं, उनकी लिस्ट बताती है और क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, त्रि पिटाका उसमें पहली है तुम्हारी सत्ता पिटाका, ये बुद्धा के बारे में है। जटाका टेल्स तो पहले प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में, त्रि पिटाका पहले सत्ता पिटाका है जो बताती है सेंस, अभिधमा पिटाका में कुछ फिलोसफिकल मतलब बताती है वो सत्ता पिटाका का, विनय पिटाका में क्या क्या सेंस हैं। 12 अंग थे इनके, लगे जैन काउंसिल थी, उसने क्या किया था, कंपाइल किया था महावीर और जैन के टीचिंग्स को। 12 अंग थे, ये बताते हैं रूल्स जो जैन मॉन्क्स और टीचिंग्स जैन तीर्थंकर्स या स्पिरिचुअल गुरुज की। ये जो है तुम्हारे 12 अंगास, ये लिखे हुए हैं बुक में अर्ध मगधी, और ये जो है ये बहुत सारे सब सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। उन सब सेक्शंस को क्या कहते हैं, वो उपंगास कहते हैं, प्रकिरणास कहते हैं और सूत्रास कहते हैं। तो क्या है, ये जैन काउंसिल मिली और उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कंपाइल किया, 12 अंग में डिवाइड कर दिया। ये 12 अंग किसके अंडर हैं, 12 अंग लिखे हुए हैं अर्ध मगधी में। इसके बहुत सारे और पार्ट्स भी हैं, उन्हें पंगास कहते हैं या प्रकिरणास कहते हैं या सत्रास कहते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, जैसे जैन टेम्पल है, ठीक है, कहाँ पर है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, सारनाथ पिलर है, ठीक है, और ये बुद्धा के बारे में बताता है, गांधार, ठीक है, गांधार स्कूल खुला, वहाँ पे जो फाइन स्कल्पचर्स हैं वो बुद्धा के बारे में ही हैं। और पता नहीं क्यों बुद्धा गॉड्स ग्रीक गॉड से मिलते जुलते हैं। आर्यंस जो थे उनकी बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कहते थे महाजनपदास, उससे छोटी को जनपदास कहते थे। हमें पता चलता है कि 16 महाजनपदास थे बिफोर द क्रिश्चियन एरा, मोनार्कीज भी थी और रिपब्लिक्स भी थी। 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में पता चलता है जो उस टाइम पे थे, एक तो मगध बिहार जहाँ पर मेन है बुद्धा का, अवंती, वत्स और कोसल, और बिम्बिसारा जो थे वो मगध पे रूल करते थे, उनकी कैपिटल का नाम था राजा ग्रिया, ठीक है। बिम्बिसारा जो थे वो बुद्धा के वो बन गए थे, फॉलोअर बन गए थे। फिर जो जैन के जो आपके हैं तीर्थंकर मतलब कि जो उनके गुरु हैं महावीर, और उनको भी बहुत सपोर्ट मिला बिम्बिसारा से, ठीक है। उसका एंड पर बड़ा ट्रैजिक था, बिम्बिसारा लॉस्ट हिज लाइफ, और उसका बेटे ने उसको मार दिया था, बेटे का नाम था अजातशत्रु। उसकी वाइफ जो थी कुशाला देवी वो ग्रीफ में मर गई थी, फिर अजातशत्रु रूल करने लगा। अब मगध क्यों इतना पावरफुल था, क्योंकि वह फर्टाइल लैंड थी, बहुत ज़्यादा आयरन मिलता था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो उसे वो वेपन्स बनाते थे, बहुत सारे एलिफेंट्स मिलते थे वहाँ पर, वॉर एलिफेंट्स, ठीक है। अजातशत्रु को कहते एक नया तरीके का चैरियट था, उसे कहते थे रोथम मुसल, ठीक है। और उसमें क्या था, एक ट्री की लॉग लगी हुई थी चैरियट में, उस लॉग की वजह से इतनी वो मोटी वो थी लकड़ी थी कि जो सामने वाला होता था उसको बहुत नुकसान पहुंचता था, जो दुश्मन होता था। अब जैनिज्म बुद्धिज्म इतने पॉपुलर क्यों हो गए, क्योंकि ये किलिंग ऑफ एनिमल्स वगैरह के अगेंस्ट थे, यज्ञ वगैरह के अगेंस्ट, ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, कहते थे सब लोग एक बराबर हैं, ठीक है। ऊपर से ब्राह्मण्स ने कास्ट सिस्टम करके इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था, इन्होंने सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, और इनके जो मीनिंगलेस जो रिचुअल्स थे उसको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। इन्होंने तो धंधा बना लिया था, इतना कॉस्टली कर दिया था, इन्होंने बिल्कुल सिंपल कर दिया, सिंपल भाषा यूज़ करते थे, और वो रिलीजियस रिफॉर्मेशन की बात करते थे। वो कहते थे कि क्या है ये कि प्रीस्टी क्लास सबसे ऊपर है, बाकी क्लास नीचे है, गलत है ये सब कुछ। वर्धमान महावीर,
कहते हैं कि जो टीचिंग्स हैं जैनिज्म की वो तुम्हारे 24 स्पिरिचुअल गुरुज की हैं। उनको क्या कहते थे वो लोग? तीर्थंकर्स कहते थे। फर्स्ट जो था वो ऋषभ था, उसको हम लोग और क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। और लास्ट कौन थे तुम्हारे? महावीर थे और पारसवंत थे। महावीर जो है उनका ओरिजिनल नाम वर्धमान था। वो पैदा हुए थे कुंदा ग्राम में, मुजफ्फरपुर बिहार में। और किसी को नहीं पता उनकी डेट के बारे में, कुछ के बारे में, ठीक है। उनके फादर सिद्धार्थ जो थे वो क्षत्रिय क्लैन के थे। मदर जो थी त्रिशाला वो लिच्छवी प्रिंसेस थी और सिस्टर ऑफ चेतका थे, वो रूलर ऑफ वैशाली। मतलब वो जो उनकी मदर थी वो सिस्टर ऑफ चेतका थी, रूलर ऑफ वैशाली, मतलब इतनी वो थी, ठीक है। चेतका मतलब कि जो उसके मामा हो गए, उनकी जो डॉटर थी चेलाना, उसने बिंबिसारा से शादी की। तो महावीर कहते हैं कि ऐसे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड थे कि उनके मामी मतलब मामा मतलब कौन मामा की जो वो हो गई बेटी, वो बिंबिसारा की वाइफ थी। बिंबिस वर्धमान जो थे उनकी शादी भी हुई ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोदा से, एक डॉटर भी हुई। बट जब वो 20 ईयर्स के थे, उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो उनका नाम महावीर हो गया। उनको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी थी और उनको रॉयल फैमिली से भी सपोर्ट मिला। बिंबिसारा और अजात शत्रु भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब महावीर ने क्या क्या बोला, ठीक है, और जैनिज्म के क्या तुम्हारे मेन डॉक्ट्राइंस हैं? उन्होंने 5 वोज ली। पहली चीज़ कि आप सारे क्रीचर्स एनिमल्स में से किसी को आप हार्म नहीं करोगे, ठीक है, स्टील नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, अटैच नहीं होगे किसी से, ब्रह्मचार्य रहोगे। फिर नो बिलीफ इन गॉड, वो कहते थे भगवान नहीं है, ठीक है, मैन ही रिस्पॉन्सिबल है अपने कामों के लिए। निर्वाणा, निर्वाणा मतलब सेल्वेशन के लिए करो, अगर तुम्हें अपनी ये बर्थ की साइकिल को तोड़ना पड़ेगा और ये जितने यज्ञ व्यज्ञ हैं इनको नहीं करने पड़ेंगे, लोगों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और बिलीफ इन पेनेस, पेनेस मतलब कि स्ट्रिक्ट लाइफ लो, स्टारवेशन करो, ज़्यादा खाओ नहीं, कपड़े ना पहनो। जैनिज्म क्यों ग्रोथ हो गया? वही सेम रीज़न है कि रॉयल पैट्रनेज ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है, मुनीज ने सपोर्ट किया, कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे, सिंपल था उनका। डिक्लाइन क्यों हो गया? क्योंकि कुछ चीज़ें थी जैसे कि सफरिंग्स थी कि खाना नहीं है, करना नहीं है, इतने बजे के बाद नहीं खाना है, ठीक है। 2 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया गया था। एक थे श्वेतांबर जो कपड़े श्वेत मतलब सफ़ेद पहनते हैं, उधर दिगांबर जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो इन डिविजन्स की वजह से थोड़ा सा वीक हो गया। फिर ब्राह्मणिज्म का फिर से क्या हुआ? रीबर्थ हो गया। जैन दिगंबर्स और श्वेतंबर्स, ठीक है, ये जो हैं इनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं, पर कहते हैं कि भद्र बाबू जो थे उन्होंने साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था, कर्नाटका में। फिर वहाँ पे फेमाइन आ गया 12 सालों के लिए। फिर जो एमिग्रेंट्स थे वो लोग मगध वापस आ गए, ठीक है। जब वो लोग वापस आ गए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जो जैन जो वापस आए हैं साउथ इंडिया से, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें क्या कर दी, अपनी चेंज कर दी हैं। तो उन्होंने एक जैन काउंसिल बनाई पाटलिपुत्र में, मैंने बताया था। फिर उन्होंने क्या किया, 12 उनको वो किया, जैन काउंसिल बनी, फिर 12 वो किया गया। पिछले चैप्टर में तो बताया था ना कि 12 वो कंपाइल किया उन्होंने, यहाँ पे मैं तो बताया था। कि उन्होंने कंपाइल किया था फिर 12 पार्ट्स में, 12 सेक्शंस को कंपाइल किया था उन्होंने। 12 अंगाज बने थे, क्यों? क्योंकि जब लोग साउथ चले गए थे, क्योंकि फेमाइन हो गया था, जब लोग नॉर्थ आए तो बदल गए थे, तो उनको वापस याद दिलाने के लिए 12 क्या बने थे, उन्हें 12 अंगाज बनाए थे। अर्धम मगधी में लिखे गए हैं, उसके उपअंगाज हैं।
आगे और कुछ, अब जो साउथ से आए थे उनको कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब जैसे दिगंबर हैं न्यूट रहते हैं और श्वेतंबर कपड़े पहनते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ? लोकल लैंग्वेजेस की इज्जत हो गई, इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। माउंट आबू में इतना फेमस जैन टेम्पल है, मैं गई हुई हूँ। जैन जो थे वो नॉन वायलेंस से बिलीव करते थे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते थे। फिर नेक्स्ट आया बुद्धिज़्म। अच्छा, कहते हैं बुद्धा और जैन आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम बुद्धा की बात करें तो महावीर ने भी अपना घर छोड़ा, वो भी एक उससे थे, रॉयल फैमिली से थे। इनकी भी स्टोरी यही है, गौतम बुद्धा की भी, ठीक है। वो भी क्षत्रिय क्लान के थे, ठीक है, संत थे वो सुबोधाना के, और उनकी भी जो मम्मी थी वो भी एक प्रिंसेस थी, ठीक है। इनकी भी शादी हुई थी यशोधरा से, पर इन्होंने एक बार देखा एक ओल्ड मैन को, सिक मैन को, डेड बॉडी को, और उन्होंने उसके बाद क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। तो कहते हैं दोनों एक दूसरे के ही वो थे, क्या थे, एक दूसरे के ही रीबर्थ थे। एनलाइटनमेंट उन्होंने बोधि ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे बोध गया में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रे की, फिर उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। फिर 45 ईयर्स तक वो उन्होंने अपना सरमन्स दिए, मतलब इधर से उधर जाके उन्होंने अपनी बातें बताई, ठीक है। उन्होंने भी यही बोला कि आपको अटैच नहीं होना है, वर्ल्ड सोरो से भरा हुआ है, मेन कॉज ऑफ सफरिंग ये है कि हमारी डिज़ायर्स हैं, अगर डिज़ायर्स नहीं होंगी तो सफरिंग्स नहीं होंगी। एट फोल्ड पाथ बताया कि राइट फेथ रखो, राइट एस्पिरेशंस, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट मेडिटेशन और राइट सोचना, ठीक है। कर्म थ्योरी दी, निर्वाणा वही कि आपको किसी तरह अपनी बर्थ को रोकना है और आपको वो सैल्वेशन पाना है। पर बुद्धा जो था वो भी भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलता था कि भगवान है कि नहीं है, उनकी तरह अहिंसा कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा वो फोकस करते थे, ये भी सिंपल भाषा यूज़ करते थे। दो कैटेगरीज थी बुद्धा की भी, एक थे उपासकास और डिसाइपल्स थे, जो अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे, दूसरे भिक्षु जो फैमिली के साथ नहीं रहते थे, केवल भीख मांगते थे। पहले वेमेन को नहीं अलाउड था, बाद में वेमेन को भी अलाउड था। ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, इसलिए पॉपुलर हो गए, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ बनी, इनको भी रॉयल फैमिलीज बहुत सपोर्ट करती थी। फिर महायान और हीनयान बुद्धिज़्म था, ठीक है। हीनयान जो थे उसे कहते हैं लेसर व्हीकल, और महायान उसको कहते हैं ग्रेटर व्हीकल। महायान बुद्धिज़्म क्या था, ये वो बिलीव करते थे कि बुद्धा जो है वो राम और कृष्ण के ही अवतार हैं, ठीक है। वो कहते थे वर्शिप करो, इमेजेस को भी वर्शिप करो, रिचुअल सेरेमनीज को मानते थे, संस्कृत भाषा को मानते थे। हीनयान जो थे वो कहते थे कि इनकार्नेशन नहीं है वो, ठीक है। वो कहते थे एट फोल्ड सिस्टम मानो, पाली भाषा को यूज़ करते थे, तो वो साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। अब डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि ब्राह्मण्स वापस पावरफुल हो गए, बुद्धिज़्म का स्प्लिट हो गया, फिर उन्होंने संस्कृत अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। पाली और प्राकृत इन्होंने यूज़ की थी, बट लेटर बुद्धा ने संस्कृत इन्वॉल्व कर दी थी, है ना। इंडियन कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारे लोग चेंज हो गए। नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ बनी इन्होंने बनाई, वहाँ की वजह से बुद्धिज़्म बहुत फेमस हो गया, आर्ट लिटरेचर बहुत फेमस हो गई। महात्मा गांधी भी इफेक्ट से देखा जाए तो बुद्धा की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। बहुत सारे केव्स मोनेस्ट्रीज बने हैं। चैत्य है एक करले में, ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, बहुत फेमस, ठीक है। एलिफेंट्स की कार्विंग्स हैं इसमें, लोग इसको प्रे करते हैं। इन्होंने बहुत सारे विहारास बनाए, विहारास मतलब पिलर्स बनाए इन्होंने बहुत ज़्यादा। सिमिलैरिटीज़ क्या दोनों रिलीजन्स में, कि दोनों रिलीजन्स तुम जो है ये मोक्ष में विश्वास करते थे, भगवान के बारे में कुछ नहीं कहते थे, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे। बट डिफरेंसेस भी हैं, जैन जो थे वो बिलीव करते थे सीवियरिटी में, बिलीव करते हैं पेन देना है अपने आप को, बुद्धिज़्म ऐसा कुछ नहीं बिलीव करता है। जैन जो है नॉन वायलेंस बिलीव करता है, ठीक है, टू एन एक्सट्रीम पॉइंट, बुद्धिज़्म के साथ ऐसा नहीं है। जैन जो है वो बिलीव करते थे, जैन में वो भी लोग थे जो हेल्प करते थे केवल मनुष्य को मैनेज करने में, पर वो नंस नहीं थे। बुद्धिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको संघ का पार्ट बनना पड़ेगा। बुद्धिज़्म जो था वो वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस हुआ एज़ कम्पेयर टू जैनिज़्म।